सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आप जान सको कॉस्मेटिक वर्ल्ड की सच्चाई कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा रिजल्ट देता है। नमस्कार दोस्तों, ये जो ऑयल आप देख रहे हैं इसके बहुत ढेर सारे यूज हैं और मीशो पे तो ये ऑयल पेनिस ग्रोथ के लिए यूज हो रहा है और उसी के नाम से ये सेल हो रहा है। तो दोस्तों, इस ऑयल के पीछे आपको मैं बताऊंगा सच्चाई क्या है और इसको अगर जिन लोगों को परचेज करना, ओरिजिनल किस तरह परचेज करें, दूसरी बात किस किस चीज़ की बेनिफिट आपको इससे मिलेगी जब आप इसको यूज़ करोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं केश मंजू ऑयल की। बहुत ही सिंपल साधारण सी पैकिंग को देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक पंप दिया हुआ है जिसको स्प्रे करके आप आसानी से अपनी बालों की जितनी स्कैल्प है ना, बालों की जड़ों तक ही अपने जो ये ऑयल है केश मंजू को वो आसानी से पहुंचा सकेंगे ताकि उनके रूप में जाके जो हेयर ऑयल है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से असर कर सके, ठीक है। और दूसरी बात, ये इसमें यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे बॉडी मसाज ऑयल। तो दोस्तों, ये एक्चुअली में टोटल प्योर मस्टर्ड ऑयल और कई तरीके की जड़ी बूटियों से बना हुआ ऑयल है। तो अपने अगर बॉडी में हेयर में तो उसके अनेकों फायदे देखने को मिलेंगे, लेकिन वो फायदे जानने से पहले इस वीडियो पे करना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो केश मंजू ऑयल आसानी से आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा और इनकी वेबसाइट है, आप वहां पे जाके काम करके, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन लोगों को यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए। देखिए, यदि आपके हेयर फॉल हो रहा है या फिर हेयर टूट रहा है या फिर बालों का झड़ना हो चुका है, मतलब कि आपके जो बाल हैं वो काफ़ी हद तक ये झड़ चुके हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑयल है। यूज करने का तरीका क्या है? यूज करने का तरीका है, आपको ले लेना है केश मंजू ऑयल और दूसरी आपको चाहिए एक डर्मा रोलर। तो डर्मा रोलर कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाएगा। ये कई साइज़ में आता है, 0.2 mm, 0.5 mm और भी उसके ऊपर 1 mm में आता है। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं, यदि आप लड़के हो, यदि आप लड़की हो, तो उन दोनों के लिए ये डर्मा रोलर का साइज अलग अलग हो जाएगा। यदि आप लड़के हो तो 0.2 mm से 0.5 mm तक ही लगाइएगा। यदि आप औरत हैं या फिर लड़की हैं और आपके बाल काफ़ी लंबे होंगे तो उसमें ये डर्मा रोलर नहीं काम करेगा, उसके लिए आप 1 mm का यूज कर सकते हो। तो यूज करने की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले आपको ये जो ऑयल है ये आपको अपने बालों को वॉश करिएगा और उनको सुखाइएगा सही से। वॉश करते समय तौलिया जो है अपने बालों पर ज़्यादा रगड़िएगा मत, क्योंकि आपके बाल हो रखे हैं कमज़ोर। ये जो ऑयल है ये आपको 2 हफ्ते तक की रेगुलर यूज करना है। हफ्ते में अगर 1-2 दिन छूट जाता है तो उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 12 दिन में आप इससे पाएंगे जो आपके जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं और जो टूट रहे हैं वो टूटना कम हो चुके हैं। ये 100% गारंटेड ऑयल है, तो इसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, बस आपको इसको नियम और संयम के साथ यूज करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये डर्मा रोलर। ये वीक में आपको केवल, वीक में नहीं, 5 दिन में आपको एक बार ये डर्मा रोलर यूज करना है अपने हेयर पे, उसके बाद आपको छोड़ देना है। उसके 2 घंटे बाद इस ऑयल को अपने हेयर पे अप्लाई करना है, करेक्ट 2 घंटे बाद ही अप्लाई करिएगा। 5 दिन से पहले इसका यूज बिल्कुल भी मत करिएगा और उसके बाद ही इसका यूज करिएगा। स्टेप 1 आपको ये परचेज करना है केश मंजू ऑयल, स्टेप 2 आपको परचेज करना है डर्मा रोलर, स्टेप 3 जिस तरह मैंने बताया है उस तरह आपको यूज करना है। पहले आपको डर्मा रोलर यूज करना है, उसके बाद केश मंजू यूज करना है। रात को अपने बालों में ढंग से मसाज करने के बाद अपने बालों को छोड़ देना। सुबह उठ के शैम्पू, जिस शैम्पू को अभी आप यूज करते हो, ऐसा नहीं कि केश मंजू का शैम्पू भी आता है मार्केट में, मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, लेकिन मेरी बात सुनिए, अभी वो परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले आप इसको यूज करें। पहले अभी जो आप शैम्पू यूज कर रहे हो अपने घर पे रखा हुआ है वो लेना है, उससे अपने बालों को वॉश कर लेना, ठीक है। रात को इसको लगा के सोना, सुबह जो भी शैम्पू अभी यूज कर रहे हो उसी से वॉश करिएगा, शैम्पू चेंज बिल्कुल भी मत करिएगा अभी, ठीक है। और कोशिश करिएगा हफ्ते में केवल एक बार ही शैम्पू यूज करें, ठीक है, ऐसा कोशिश करिएगा। उसके बाद करना क्या है, जब आप 12 दिनों से 14 दिनों तक की ये प्रक्रिया अपना लेंगे तो उसके बाद आप पाएंगे जो आपके बाल हैं काफ़ी ज़्यादा घने हो चुके होंगे और बालों में हल्की हल्की खुजली होनी शुरू हो चुकी होगी। कुछ लोगों की ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यदि आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाए तो आपको दही का प्रयोग करना है केवल 1 दिन, ठीक है। आपको 30 मिनट तक की अपने बालों में दही लगाना है, उसके बाद उसको छोड़ देना है, मतलब कि 30 मिनट तक लगा के छोड़ देना है, उसके बाद अपने बालों को वॉश कर देना है, आपकी खुजली की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये मैंने जो बताया आपका 15वां दिन था। उसके बाद ये जो ऑयल है ये वीक में 2 बार आप लगाइए,
कोई दिक्कत नहीं है। और डर्मा रोलर केवल हफ्ते में एक बार यूज करें। ये प्रोसेस अगर आप 3 महीने तक की रेगुलर यूज करेंगे तो आपके जो बाल हैं टूटना बालों का 100% बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये था बालों का। अब नंबर 2 बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस ऑयल को, देसी ऑयल को, अपनी नाभि में भी डालते हैं। नाभि में डालने का एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इसके फ़ायदे, जैसे बहुत सारे लोग अपने ब्रेस्ट को, जो लड़कियाँ होती हैं उसके लिए भी मसाज करते हैं, बहुत सारे लोग पेनिस को इंक्रीज़ करने के लिए भी मसाज करते हैं। तो ये सारे यूज़र्स हैं केशमंजू ऑयल के, तो उनके लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि उनके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी किस तरह यूज करना है किस तरह नहीं। तो मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तो ले बाय, टेक केयर।